कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। यह है मेरा डे सेकंड ब्लॉग। तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से मैक्लोडगंज, जो आप लोगों को पता ही है। ये रास्ता है जो आपको दिख रहा है ना, ऊपर खाबड़ रास्ता, ये पिछले 3 सालों से ऐसी है। हाँ, 3 साल, लास्ट ईयर भी मैं आया था और उससे लास्ट ईयर भी मैं आया था। 3 सालों से ऐसी है, बट यहाँ की गवर्नमेंट इस रास्ते के लिए कुछ नहीं करेगी भाई साहब, क्योंकि उन्हें पता है लोगों का आना बंद होना नहीं, कुछ भी कर लो। ये गूगल मैप ने मुझे खो दिया है और मैं खो गया हूँ। गूगल मैप दिखा रहा है उल्टा रास्ता कि मुझे वापस जाना है। आई डोंट नो मुझे कैसे जाना है, देखना पड़ेगा एक बार। किसी से पूछना पड़ेगा रास्ता। ये गूगल मैप आजकल बेकार हो गया है। हाँ भैया, ये हिमाचल के लिए सीधा, थैंक यू। ये गूगल मैप आजकल इतना बेकार हो गया है ना, इतना बेकार हो गया है। पहले तो गोवा में ये बंदे गूगल मैप से खो जाते थे, एक बार 2-3 बार। अगर आप कभी भी गूगल मैप यूज़ कर रहे हो गोवा में ना, तो आप जंगल में जरूर गए होंगे, क्योंकि ये गूगल मैप ऐसा है कि गोवा में कोई गूगल मैप यूज़ कर रहा हो तो जंगल में ना ले जाए, ज़िंदगी में नहीं हो सकता। मेरी बाइक पे कीचड़ या मिट्टी लगती है ना, मुझे बड़ी खुंदक सी आती है यार, दिल से दर्द होता है मेरे। फिर मेहनत पे लिया और चलो, ये तो होता जोक का पार्ट, बट ये मैं कह रहा हूँ कि ये गूगल मैप अब आजकल हिमाचल में भी वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि कल से मुझे इतने 5 बार खो दिया है और ये 6th टाइम का। तो अगर यहाँ आसपास कोई लोग नहीं हो ना और कोई पूछे भैया आपको कैसे जाना है, तो बंदा 3-4 घंटे ऐसे ही वेस्ट होता रहेगा। और अभी भी मैक्लोडगंज यहाँ से 138 किलोमीटर दूर है। मेरा डे फर्स्ट ऐसे था कि मैं सोच रहा था कि मैं कल आज सुबह ही पहुँच जाऊँ मैक्लोडगंज, बट मैं रात को 3:30 बजे तो मैंने होटल लिया था। तो फिर मैंने होटल लिया, थोड़ा रेस्ट किया, तो सुबह के मैं 9:30 बजे उठा। फिर 9:30 रेडी होने के बाद मैं 10-10:30 बजे निकला अपने होटल से, और फिर जब से मैं बाइक चला रहा हूँ, फिर मुझे लगा कि मेरा पूरा दिन वेस्ट जाएगा। तो मैंने एक गुरुद्वारे का ब्लॉग कर लिया, जो आपने देखा होगा भी। तो गुरुद्वारे का ब्लॉग किया है मैंने यहाँ पे। तो आई थिंक ये हिमाचल प्रदेश में एंटर हो चुका हूँ, आई थिंक नहीं हुआ कि नहीं हुआ। मैंने बाइक क्यों मोड़ी है? चलो 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 चलो, जीते खास में तो बड़ा खाना है ये तो। 5 मिनट पहले अभी ये हिमाचल का बॉर्डर क्रॉस किया, मगर यहाँ पे किसी ने रोका नहीं, ना किसी ने कोविड की कोई रिपोर्ट मांगी है, ना किसी ने कोविड के लिए कुछ रोका, ना इवन थर्मल स्कैनिंग भी नहीं हुई है। जस्ट अभी आपने देखा होगा कि मैं हिमाचल के अंदर एंट्री की है मैंने, और यहाँ कोई बंदा ऐसा नहीं है जिन्हें रोका हो मुझे। इवन पुलिस वालों ने ये भी नहीं पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, मैं हिमाचल में आया था, तो पहले उन्होंने थर्मल स्कैनिंग करी थी, उसके बाद उन्होंने मेरे पूछा था आपको कहाँ जाना है, फिर उसके बाद उन्होंने एक फॉर्म भी फिल कराया था, बट अभी कुछ नहीं हुआ है। और अभी तो 130 किलोमीटर है यहाँ से धर्मशाला, और आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता। और जैसे भी कोई अपडेट होगी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। कीप वॉचिंग। और एक बात ज़रूरी याद रखना कि कभी भी हिमाचल आओ तो हर दिन की नई गाइडलाइन पढ़ के आना, क्योंकि मैं जो निकला था घर से, मैं एक दिन पहले की गाइडलाइन पढ़ के आया था, तो उसमें लिखा था कि कोविड की टेस्ट की कोई नीड नहीं है आपको, और मगर आओ तो सैनिटाइज़र और एक मास्क ज़रूर साथ में लाना, क्योंकि बिना मास्क का यहाँ 200 रुपये चलाना है। 200 रुपये हो तो दे देना, वरना मास्क ले लेना 10 रुपये का। Oh my god.
इतनी सारी जिन्हें मजा आता देख के ना, देख के अच्छा ना लगता मेरा, पता नहीं क्यों। ये देख इतनी बड़ी बड़ी चीज को मजा आ गया देख के। जिनमें दो तीन चीजें ऐसी देखते हैं ना तो जिंसा बन जाता है। यहाँ के रास्ते अभी इतने कर्वी है, इतने कर डाले हैं बहुत ज्यादा। मेरे फोन के अंदर दिख रहे होंगे इतने शार्प कट है यार, और अभी भी 90 किलोमीटर है। और ये रास्ता प्लेन रोड पे होता तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 घंटा, और यहाँ कम से कम 2.5 घंटे लगेंगे उसे पार करने में, क्योंकि 30-40 मैक्सिमम स्पीड होती है उसके ऊपर में चलेगी गाड़ी। चलिए चल रहे हैं अपने रास्ते पे, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं कितनी देर में नहीं। बट ये है कि आज मैं पहुँचा दूँगा भाई, या मुझे कंधे को उठा के लेके जानी पड़े। चलिए चीज पहुँचेंगे। ये गूगल मैप बड़ा कुत्ते का बच्चा निकला है, 1 घंटे से भटक रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या मैप दिखा रहा है। मुझे जाना है धर्मशाला, ये पता नहीं मुझे कहाँ घुमा रहे है, जवाला ऊना पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा रहे है मुझे। यार अपने घर के पास वाले परवाड़ी पे भरोसा कर लेना, गूगल मैप पे भरोसा मत करना भाई, ये नसीब में हो गया आजकल। अमेरिका वाले बदला दे रहे हैं हमसे, चले चाइना वालों ने लिया है, देखना पड़ेगा यार। उन्होंने बोला 1 किलोमीटर से अंदर, ये भी नहीं लग रहा मुझे, 1 किलोमीटर तो हुआ नहीं अभी। मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, एक तो अकेले आओ, ऊपर से पूछना पड़ेगा किसी जगह कोई मिलेगा तो उनसे पूछूंगा मैं। ये मकलोडगंज के लिए हाँ थैंक यू। चलो उन्होंने भी वही रास्ता बताया जो भी लास्ट वाले भैया ने बताया था। रात होती जा रही है और अभी भी 76 किलोमीटर दूर हुए अपने मतलब होटल से, और भाई साहब पता ही नहीं, हर किसी का अलग है। उनने बोला 17 किलोमीटर, इन्होंने बोला ये, अब दोनों ने बोला 1 किलोमीटर से अंदर जाना। गूगल मैप भी वही रास्ता दिखा रहा था मगर वो नहीं दिखा रहा था पहाड़ों के अंदर से। अबे भाई बाइक लाए हो, मैं एरोप्लेन छुट्टी ना लाया हूँ जो तू मुझे ऊपर से निकाल देगा। मैकलोडगंज वहाँ से चौक से अगर राइट हो जाए उस सीधा रास्ता निकलेगा। थैंक यू। अब ये पांचवा बंदा है जिससे मैंने पूछा है, आई होप भगवान कि ये भी सही हो। और वेदर बड़ा मस्त है, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, मगर मैं थक चुका हूँ। सुबह से 389 किलोमीटर बाइक चला चुका हूँ मैं, 310 मतलब अप्रोक्स 400 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद बंदा थोड़ा थक जाता है यार। फाइनली मैं पहुंच ही गया भाई, कैसे न कैसे बड़ी मुश्किल से, इतनी दिक्कतों के बाद मैकलोडगंज। ये जो रूम मैं आपको नीचे लिख दूंगा भाई, रूम बड़ा सही है, सिर्फ इन्होंने मुझे 800 रुपये का रूम दिया है, तो ये रूम मुझे पड़ा है 800 रुपये में। और ये हॉस्टल है, जैसे ये गेस्ट हाउस होते ना लाइक, उसमें है ये हॉस्टल है, एक ये होटल नहीं है कोई भी। तो पहले इसका नाम था मैकलोडगंज होटल माउंटेन व्यू, अब इसका कुछ अलग नाम है, ये आपको MMT पे मिल जाएगा। जो भी आप लोग MMT से प्राइस लोगे उससे ये 200-300 रुपये सस्ता अपना रूम दे देंगे। तो मुझे तो भाई बिल्कुल अच्छा लगा इसका इंटीरियर, ये दिख रहा होगा आपको, बेड दिख रहा होगा, इंटीरियर मतलब बिल्कुल अच्छा है इंटीरियर इसका। तो और इसमें हॉस्टल भी है, जैसे कोई लोग आता है, जैसे ट्रैवलर होते हैं, किसी को अकेले स्टे करना हो, 300-400 रुपये का बजट हो उसका,
तो 400-500 रुपये में ये नीचे एक बेड भी प्रोवाइड करा देते हैं आपको, जिसमें 3-4 बेड होते हैं। तो अगर आप अकेले आते हो और अगर आपको किसी की कंपनी चाहिए तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो, क्योंकि हर अलग अलग सिटी का कोई ना कोई बंदा वहाँ मिल ही जाएगा आपको। तो अब लग रही है भूख, क्योंकि मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया है, तो अब जाऊँगा मैं नीचे कुछ खाने। यहाँ पे कैफ़े मैटिनो नाम की एक शॉप है, तो फेमस है, तो या तो वहाँ जाऊँगा, क्योंकि वो थोड़ी दूर है, 4-5 किलोमीटर दूर है। तो मैंने सोचा पहले आसपास से कुछ खा लूँ। और यहाँ पे एक ट्रैकिंग भी होती है, वो एक ट्रैकिंग होती है 1 डे की, एक ट्रैकिंग होती है 5 या 6 डेज की। तो आई थिंक मैं यहाँ ट्रैक करूँगा एक दिन के लिए, अगर कंफर्टेबल लगा मुझे ट्रैक करना। तो चलिए मिलते हैं। They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times.